टाइमिंग भी एक कमाल की चीज़ है, सही वक्त पर सही चीज़ हो जाए तो फिर क्या कहने, और शायद अडानी ग्रुप ने भी ये बात अच्छी तरह समझ ली है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फुस होने के बाद अडानी ग्रुप ने ये तो समझ लिया है कि अभी हवा सही दिशा में चल रही है और निवेशकों का उस पर भरोसा बरकरार है। इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भी निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप के शेयर से इस कदर नहीं टूटा था जैसा कि जनवरी 2023 में हुआ था। सही वक्त का फायदा उठाते हुए अडानी एंटरप्राइजेस इस महीने अपना पहला नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर यानी NCD लॉन्च कर सकती है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत में कंपनी का NCD आ सकता है। कंपनी का इरादा इसके जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने का है। हम इसकी डिटेल बताएं उससे पहले आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या आप अडानी एंटरप्राइजेस के NCD में पैसा लगाएंगे। इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस करीब 1.5 से 2 अरब डॉलर की इक्विटी कैपिटल जुटाने की भी तैयारी कर रही है। कंपनी इसके लिए सितंबर के पहले 15 दिनों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स यानी QIP लॉन्च कर सकती है। वैसे अभी तक इस मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि NCD ऑफर अगले हफ्ते में सोमवार के बाद लॉन्च हो सकता है। इसकी अभी तक कोई फिक्स तारीख तय नहीं है। कंपनी के लिए ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अडानी ग्रुप पहली बार कोई NCD लॉन्च कर रहा है। दरअसल कंपनी फंडिंग सोर्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि वो अलग अलग तरीके से फंड जुटाने के तरीके आजमा रही है। अडानी एंटरप्राइजेज ने NCD ऑफर के लिए 25 जुलाई को अप्लाई किया था। कंपनी ने स्टॉक्स एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया था कि वो 600 करोड़ रुपए का NCD जारी कर सकती है। इस इश्यू में 300 करोड़ रुपए का बेस अमाउंट शामिल है और अगर डिमांड अच्छी रही तो 300 करोड़ रुपए जुटाने का प्रोविजन है। NCD से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कर सकती है। ये अपना पूरा कर्ज चुका सकती है या कुछ हिस्सा पेमेंट कर सकती है। अगर हम QIP की बात करें तो कंपनी कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक और सूत्र ने बताया कि अडानी एंटरप्राइजेज सितंबर के पहले 15 दिनों में QIP लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसकी तारीख काफ़ी हद तक शेयर बाजार के हालात और निवेशकों की डिमांड से तय होगी। इस फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा। अडानी एंटरप्राइजेस पर 30 जून 2024 तक 42,753 करोड़ रुपए का नेट डेट था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 1 अरब डॉलर के शेयर बेचे जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड थी। अडानी एनर्जी QIP में राजीव जैन की कंपनी GQG पार्टनर्स और अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड ADIA और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी दिखाई थी। घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने $325 मिलियन यानी करीब 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर्स के लिए बोली लगाई थी। इनमें SBI MF, HDFC MF, Tata MF, बंधन, एक्सिस और दूसरे फंड शामिल थे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार SBI MF ने 800 करोड़ रुपए के शेयर्स के लिए बोली लगाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।